everyone this is shani dinani welcoming you to magnet brains and in today's video we are going to discuss certain vocabulary terms that are related to construction तो हमारे नेबरहुड में या कहीं पे भी जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है यू कैन सी अ लॉट्स ऑफ थिंग्स या फिर आपके घर में भी कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो तो आप देख सकते हो कि कितने सारे टूल्स जो हैं उनका यूज किया जाता है नाउ वी नो द नेम्स ऑफ देम इन हिंदी ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज है यू नो द नेम्स ऑफ दो पर्टिकुलर टूल्स या जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इन अ कंस्ट्रक्शन वर्क बट येस वी कॉल देम इन इंग्लिश इज समथिंग जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा राइट right? बिकॉज ये चीजें हम देख चुके हैं अपने आंखों के सामने हमेशा हमने एक्सपीरियंस किया है इन सबको बट वी रियली इंग्लिश में क्या कहा जाता है सो so like जो हमेशा आपने देखे हैं यूज किया जाता है इन एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क और इन सबको हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं वी विल ऑल्सो सी द इमेज सो दैट यू कैन रिलेट दर्ड पर्टिकुलर इमेज दैट हैज बीन गिवन क्लियर ऑल तो सबसे पहला जो वर्ड है भाई वो सबसे कॉमन है उसे क्या कहते हैं कॉन्क्रीट सीमेंट तो आप सभी जानते हो बट आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में कि कोई भी सीमेंट की एक यू you नो know, वो सैक या बोरी लेकर आते हैं दे लाइक यू नो टेक आउट द सीमेंट डायरेक्टली उसको यूज कर लिया नहीं दे मिक्स समथिंग ऑल्सो बहुत बड़ी बड़ी मशीन ही होती हैं राइट उसमें डाल देते हैं पता नहीं क्या मिक्स विक्स करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको हम उसे कॉन्क्रीट बोलते हैं ठीक है तो इस तरीके का जो भी आप देखते हो कि जिससे रोड वगैरह पे लगा देते हैं या फिर यू you नो know, कोई भी कंस्ट्रक्शन की जो भी ब्रिक्स वगैरह ले की जाती है उस पर लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कॉन्क्रीट कहते हैं अब होता क्या है भाई कॉन्क्रीट इट इज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ अ हार्ड केमिकली इनर्ट पार्टिकुलेट सब्सटेंस नोन एज एग्रीकेट यूजली सैंड एंड ग्रेवल दैट इज बॉन्डेड टूगेदर बाय सीमेंट एंड वाटर होता क्या है कि ये लोग कुछ मिक्स करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेवल यानी जो बिल्कुल पत्थर नहीं होते स्टोन ब्लैक ब्लैक कलर के वो फिर उसके साथ यू नो सैंड को भी ये लोग मिक्स करते हैं एक मशीन में फिर वो पूरा मिक्स होता है देन द पेस्ट कम्स आउट और इसको फिर सीमेंट के साथ यूज़ करके और थोड़ा पानी डाल के ऑब्वियसली तभी वो जो एक पैन देखते हैं ना तगाड़ी बोलते हैं जिसको हिंदी में उसमें मिक्स किया जाता है दैट इज यूज क्यों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मटेरियल बन जाता है फिर और फिर ये ब्रेक नहीं होगा एंड यू कैन रिलाई ऑन इट तो इस तरीके से इसको कॉन्क्रीट कहते हैं यानी कि जो पूरा मिक्सचर बनाया जाता है ग्रेवल सीमेंट वाटर, सैंड एंड ऑल तो उसी को हम क्या कहते हैं कॉन्क्रीट डिट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है भाई हमारे कंस्ट्रक्शन में वो है एक सीढ़ी का होना बिकॉज ऑब्वियसली जो भी मतलब ऐसे थर्ड फोर्थ फ्लोर या फिर कुछ इतना ऊपर तक का बनाते हैं जब भी, भी तो इससे पहले की एक बीम ले की जाती है अभी हम देखेंगे बीम वगैरह क्या होता है उसके पहले नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है नाउ सीढ़ी को हम नॉर्मली इंग्लिश में लैडर बोलते हैं ऑब्वियसली ये भी कोई अलग तरीके की सीढ़ी नहीं है एनी Any... सीढ़ी यूज इन कंस्ट्रक्शन इज नोन एज लैडर ठीक है तो नॉर्मली भी सीढ़ी को लैडर बोलते हैं दिस इज वन मोर थिंग यू गेट टू नो सो वर्टिकल और इनक्लाइंड सेट ऑफ रंगस और स्टेप्स इट कुड बी एनी थिंग मतलब अलग अलग मटेरियल के बनते हैं दे कुड बी लाइक इस तरीके का शेप होता है ऐसे करके देन देर इज दिस पे टेबल टाइप का होता है तो so, ये भी टाइप की सीडियाँ होती हैं ये जो नॉर्मल लैडर है वो आप देख ही सकते हो सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट आर सीडी और उन सबको हम लैडर ही बोलते हैं डन ऑल राइट Next is bricks.

आ रहे हैं सो दे डेफिनेटली यूज ब्रिक्स राइट जो ईट होती हैं तो ये एक और टर्म है जो कंस्ट्रक्शन वो में आता है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज क्रेन तो ये जो गाड़ी है ना जो बचपन में हम टॉय भी लेते हैं इससे रिलेटेड कितना बड़ा यू नो एक तरीके का होता है अंदर कोई ड्राइवर होते हैं वो ऑपरेट दिस और फिर उसमें एक हुक टाइप का अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ दैट हुक वो इस तरीके से चीजों को उठाते हैं फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं ठीक है तो इस बड़ी सी गाड़ी को हम क्या बोलते हैं क्रेन बोलते हैं सो अ लार्ज मशीन विद अ लॉन्ग मेटल आर्म क्या होता है ये इसका हाथ है मेटल का बना हुआ एक आर्म है हाथ है दैट इज यूज फॉर मूविंग और लिफ्टिंग हैवी Objects. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह जगह से दूसरी मूव करना है या उठाकर यू you नो know, एक जगह से दूसरी जगह रख के आना है तो फिर कोई एक नॉर्मल इंसान जो है इतने बड़े बड़े अगर इनको उठाएगा तो इट वुड बी रिस्की राइट और हो भी नहीं सकता बहुत सारे लोग लगेंगे इसको उठाने में सो इट्स ग्रेट की एक मशीन का यूज करते हैं और इसी गाड़ी को क्या बोलते हैं क्रेन बोलते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट इज ट्रक अब ऐसा ट्रक जो घूंगा है नहीं डम्प ट्रक जो है वो पी लिखा है देखो डंप ट्रक ठीक है

कर लेते हैं तो इस पूरी गाड़ी को इतनी बड़ी जो गाड़ी होती है इसको बोलते हैं डंप ट्रक ठीक है डम नहीं है जो के लिए हैं बी वाला इट्स डंप ट्रक और इसे डंपर ट्रक या टिपर ट्रक भी कहा जाता है सो दिस इज़ फॉर नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन डन ऑल राइट नेक्स्ट कम्स सैंड स्क्रीनिंग मशीन एक तरीके की सैंड या रेत को छानने वाली जो मशीन होती है उसको कहते हैं तो आपने देखा होगा कि जहां पे भी सैंड पाइल्ड अप होता है वहां पे ऐसा ठंडी टाइप का लगा होता है अब इसकी भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ गई हैं मतलब बहुत अच्छे अच्छे मॉडर्न वर्जन आ गए हैं बड़ी बड़ी मशीन आ गई हैं बट जो बेसिकली हम देखते हैं वो इसी को देखते हैं जहाँ पे यू नो इस तरीके का होता है सीव टाइप का जिसको छानते हैं जिससे हम सीव उसे बोलते हैं तो इस पर जैसे ही ये इतनी सारी रेत डालते हैं तो वट एवर वगैरह जो भी होते हैं एक्स्ट्रा वो सब

इस तरीके का दिखता है बहुत ज्यादा देखा होगा उसको अभी जब हम कंक्रीट वाला पढ़ रहे थे तो कंक्रीट वाले में इसी को यूज कर कर उस कंक्रीट को फैलाया जा रहा था राइट तो आप इसको बहुत ज्यादा देखते हो ये लेवल करने के लिए यानी जैसे सीमेंट वगैरह लगा लिया हैंडल से यूज करते हो इसको लेवल करते हैं सीमेंट को सो इट इज यूज टू गिव अ स्मूथ फिनिश टू प्लास्टर्ड एरिया यानी जहां पर भी सीमेंट वगैरह लगाया है कॉन्क्रीट लगाया है उसको एक अच्छी फिनिश देने के लिए कि पूरा स्मूथ हो लेवल्ड हो उसके लिए क्या यूज किया जाता है इस फ्लोट को और इसी को ये लकड़ी का होता है ज्यादातर इसको क्या कहते हैं वुडन फ्लोट या वुडन रेंडरिंग फ्लोट क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज जिग सॉ कुछ ऐसा दिखता है ठीक है आपने देखा होगा एक मशीन होती है इसके नीचे ब्लेड होता है और इसको यू नो ऐसे रख दिया जाता है फिर जो भी इलेक्ट्रिकल होती है तो उसको ऑन uh, करते हैं और फिर ये क्या करता है इसमें जो नीचे ब्लेड होता है वो कट करता जाता है जो भी चीजें हैं उसको सो यूज टू मेक कर्ड इंट्रीकेट कट्स इन वुड, बट ऑल्सो कैन कट थ्रू नंबर ऑफ अदर मटीरियल प्लास्टिक शीट मेटल एंड सिरामिक

तो ज्यादातर पत्थर या फिर यू नो मेटल का बना हुआ कोई भी मटेरियल जिसको यू you नो know, इस तरीके से ऐसे कट करते हैं इस तरीके का मोशन होता है तो इसे कहते हैं सॉ इट्स अ टूल अगेन विच इज कॉमनली सीन जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है कहीं पर घर पर भी कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन होता है यू कैन सी द सॉ इन दैट टूल्स का बॉक्स क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज पेंट रोलर तो पेंट ब्रश आई गेस सभी को गोता राइट तीन चीजें इन वर्ड है पेंट ब्रश ठीक है जो कि हैंडल वाला होता है और उसको इस तरीके से यूज करते हैं जिसमें पेंट होता है दैट इज पेंट बकेट जो पेंट जिसने बाल्टी में रखा है पेंट बकेट एंड ऑल्सो क्या यूज किया जाता है पेंट रोलर जो कि इस तरीके का रोल्ड वर्जन होता है हैंडल इसको डिप करते हैं स्पंज टाइप को और इसमें जो भी पेंट है वो कलेक्ट हो जाता है एंड देन बहुत एक स्मूथ फिनिश और जल्दी से पेंट कंप्लीट हो जाता है सो इट इज अ पेंट एप्लीकेटर टूल या पेंट एप्लीकेशन टूल यूज फॉर पेंटिंग लार्ज फ्लैट सर्विसेज रैपिडली एंड एफिशियंटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मूथ फिनिश के लिए और जल्दी से पेंट करने के लिए वॉल्स को किसे यूज किया जाता है इस रोलर को जिसे पेंट रोलर कहते हैं क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज यूटिलिटी ब्लेड वॉट इज यूटिलिटी ब्लेड इट इज टाइप ऑफ अ नाइफ यूज फॉर जनरल मैनुअल वर्क प्रोसेस तो ये जो है यूटिलिटी नाइन होता है जो कटर टाइप का दिखता है ठीक है जैसे नॉर्मली आपको एक छोटी सी वायर कट करनी है आपको कोई यू you नो know, खोलना है पैकेट तो इसको रख लेते हैं जैसे यूटिलिटी ब्लेड कहते हैं तो यहाँ से इसको यू नो बाहर ऐसे प्रेस करते हैं और ये बाहर आता है ब्लेड एंड देन यू कैन कट द थिंग्स जो कि छोटी मोटी चीजें आपको कट करनी है ऑब्वियसली इसको यूज करके आप कोई बहुत ज्यादा जो बहुत टफ मटेरियल होता है उसको कट नहीं कर सकते उसके आपके पास चीजें हैं, बट आपको कभी भी छोटी मोटी चीजें काटनी हो छोटे मोटे पर्पस के लिए ऑल राइट नेक्स्ट इज व्हील बैरो व्हाट इज व्हील बैरो की आपने मशीन देखी होगी कोई भी एक ठीक है ना जो भी हो बहुत ज्यादा बुरी हालत वाली होगी तो इस तरीके की दिख जाएगी या फिर ऐसे बिल्कुल अच्छी वाली होगी तो दिख जाएगी तो इसमें क्या होता है पीछे हैंडल्स होते हैं एक आगे व्हील होता है ठीक है और यहाँ नीचे सपोर्ट के लिए कुछ लगा रहता है और इसमें हम जो भी मटेरियल कैरी करते हैं ज्यादातर सैंड या स्टोन किसी को भी कैरी करके ले जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह या ब्रिक्स तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है बिकॉज इसमें व्हील्स है कार्ट मतलब है? है, एक व्हील होती है सामने की तरफ यूज टिपिकली फॉर कैरिंग लोड्स इन बिल्डिंग वर्क तो जो भी चीजें होती है लोड्स वगैरह सामान वगैरह कैरी करने के लिए इन गाड़ियों को यूज किया जाता है और इसको बिल्कुल मैनुअली चलाते हैं सलिए खुद ही चलती है पेट्रोल वगैरह पे नहीं तो मैनुअली इस कार्ट पे चीजें ले जाकर एक जगह दूसरी जगह लेके जाई जाती है। Done? All right. Next word है bulldozer. जैसे crane हम खरीदते हैं खरीदते हैं। गाड़ी जो कि इस तरीके का बिल्कुल दिखता है आपको ज्यादातर जब गार्बेज वगैरह भी उठाने के लिए जाते हैं आप बुलडोजर देख सकते हो बहुत कॉमनली दिख जाती है गाड़ी. So,

देन उसके बाद अगर आपको जैसे कुछ बहुत ज्यादा ट्री वगैरह कुछ हटाना है जो गलत बात है बढ़िया से अगर आपको रिमूव करना है कंस्ट्रक्शन टाइम वर्क से तो आप इसको यूज कर सकते हो जो अपने पूरे फोर्स के साथ उसको हटाने में हेल्प करता है सो so, ये कुछ काम है जो कि यू नो इस बुलडोजर के थ्रू कर सकते हो सो दिस इज अगेन अ वेरी कॉमनली सीन टूल या फिर बहुत कॉमनली सीन गाड़ी जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वहां पर क्लियर ऑल राइट

जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है इसको हटा दिया जाता है यूज टू सपोर्ट अ वर्क क्रू एंड मटेरियल टू एड इन द कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा इजी बनाने के लिए या जो क्रू होता है जो भी काम काज कर रहे हैं लोग उनको थोड़ी मदद हो जाए इसके लिए इस तरीके से बनाया जाता है स्ट्रक्चर और फिर वहां वहां यू नो पहुंचकर या वॉक कर कर या जो भी प्लैंक्स वगैरह लगाकर इससे पूरा कंस्ट्रक्शन एक इजी प्रोसेस हो जाता है एक तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी दूसरा इस क्रू के लिए भी क्लियर ऑल नेक्स्ट इज कोपिंग सॉ अब ये कुछ इस तरीके का दिखता है ठीक है हैंडल देन ऊपर से इस तरीके की स्पेस होती है ताकि ये कट हो जाए पूरा तो ये जैसे अगर ये ब्लेड है इससे कट करता है तो जब इस हैंडल से पकड़ के यहाँ पे चीज को बीच में रखा जाता है और इससे कट किया जाता है तो स्पेस मिल जाती है कि वह ऊपर तक आ सके ठीक है तो इसीलिए इतना ज्यादा स्पेस क्रिएट किया जाता है सो इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन हार्ड एंड स्टील ब्लेड बहुत ही पतला बट बहुत ज्यादा हार्ड स्टील का ब्लेड होता है यूज टू कट इंट्रीकेट एक्सटर्नल शेप्स एंड इंटीरियर कटआउट्स इन वो

तो ये आप सबसे ज्यादा कॉमनली देख सकते हो राइट इतनी अच्छी हालत नहीं होती है इसकी बट येस इसको आप देख सकते हो जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो इसमें डाल दिया जाता है जो भी मटेरियल वगैरह होता है ये मिक्स करता है इसको ठीक है एंड देन ये ऐसे टर्न होता है और यहां से पूरा मटेरियल बाहर पोर कर देता है सो इट इज अ मशीन दैट कंबाइन सीमेंट इवनली टू फॉर्म अग्रीगेट सच सैंड ग्रेवल एंड वाटर टू कॉन्क्रीट यानी कॉन्क्रीट बनाने के लिए जब भी हम सारे मटेरियल्स को इसमें डाल देते हैं जो भी लग रहा है जैसे ग्रेवल हो गया सैंड हो गया सीमेंट हो गया वाटर हो गया जो भी इसमें डालते हैं ये अच्छे से मिक्स कर देता है एंड देन फाइनली आपको वो मिक्सचर मिल जाता है जो कि आप यूज करते हो टू अप्लाई फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क डन ऑल राइट नेक्स्ट इज बार तो इस तरीके का कुछ दिखता है स्ट्रक्चर यहां से थोड़ा नुकीला होता है और कर्व्ड होता है और बड़ा होता है ठीक है बहुत तो इस क्रो बार को यूज किया जाता है एज ए लीवर इधर टू फोर्स अपार्ट टू ऑब्जेक्ट्स और टू रिमूव नेल्स या तो कीलों वगैरह को हटाने के लिए नेल्स मतलब जो कील होती है उसको हटाने के लिए या फिर जैसे अगर दो प्लैंक्स हैं ठीक है वुडन प्लैंक्स अगर ऐसे यहां पे वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं यहां पे भी लगे हुए हैं ठीक है थीके? तो इसको इधर से अलग करने के लिए इस क्रो बार को यहाँ पे अटैच किया जाता है और एक पुल यू you नो know, फोर्स पुलिंग फोर्स लगाया जाता है तो क्या होगा इससे ये दोनों जो प्लैंक्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे अलग हो जाएंगे तो इसी चीज के लिए क्या यूज किया जाता है क्रोबार को ऑल्सो इसकी मदद से आप जो कील या नेल्स होती है उसको भी रिमूव कर सकते हो डन ऑल राइट नेक्स्ट इज पैन अब जैसे कि कंक्रीट जैसे ब्रेक्स और कंक्रीट मिक्सर बड़े यू नो कॉमनली आपको दिख जाते हैं वैसे ही एक और टूल है जो बड़ा कॉमनली दिख जाएगा आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे दैट इज अ हेड पैन यानी जो सर पे नहीं तो गाड़ी हम बोलते हैं जिसमें सीमेंट वगैरह लेके जाते हैं या ब्रिक्स वगैरह लेके जाते हैं जो भी लेबर्स होते हैं तो उसी को हम हेड पैन कहते हैं जो इस तरीके की दिखती है बिल्कुल टिपिकल हेड पैन राइट सो इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल अगेन जितना भी नो you उठा know, सके इंसान तो इस पर जो भी ब्रिक्स या सीमेंट वगैरह जो भी है वो लेके जाया जाता है एंड देन इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं इसकी मदद से तो इसे क्या बोलते हैं हेड पैन बोलते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट इज द रेंच अब रेंच तो सभी के घर में भी होता है आई गैस मोस्टली मिल जाएगा आपको बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है तो रेंच जो है वो इस तरीके का दिखता है ठीक है आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो डिफरेंट तरीके के भी आते हैं ये एंड देन यू काइंड ऑफ लूजन और यू नो टाइटन एनी स्क्रू और समथिंग सो इट इज यूज टू प्रोवाइड ग्रिप एंड मैकेनिकल एडवांटेज इन अपलाइंग फोर्स टू टर्न ऑब्जेक्ट यूजली रोटरी फास्टनर्स नट्स फास्टनर बोल्स और कीप देम फ्रॉम टर्निंग तो दोनों काम के लिए होता है या तो किसी नट बोल्ट को खोलना है ठीक है तो टर्न करने के लिए रेंच को बिकॉज अच्छी ग्रिप होती है और ऐसा नहीं कि फिसले वो हाथ से बिकॉज इफ डू इट हैंड्स तो थोड़ा एक तो फोर्स भी कम लगेगा दूसरा वो स्लिप होने लगता है हाथ तो रेंच से क्या होता है ग्रिप होती है ग्रिप प्रॉपर मेंटेन होती और आप जो है ओपन कर सकते हो उसको टर्न करके या फिर आप उसको टाइटन कर सकते हो जो भी स्क्रू नट जो भी है तो इस तरीके से इसके लिए यूज किया जाता है किसको इस टूल को जैसा दिखता है और इसे हम बोलते हैं रेंच इन इंग्लिश क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट आर नट्स अब नट्स कौन से खाने वाले नहीं जो इस तरीके के दिखते हैं ना जिसको यू you नो know, ऐसे ऊपर से टाइट किया जाता है तो उसे हम नट्स कहते हैं सो फास्टनर दैट कंसिस्ट ऑफ अ अ ब्लॉक विद थ्रेडेड थ्रेडेड होल होल इन द सेंटर तो होता है ठीक है ठीक क्योंकि इस तरीके की लाइंस होती है इसमें फिर इसको लगाया जाता है तो जो भी आपने स्क्रू वगैरह डाला है वो फास्टन यानी कि वो कंप्लीटली टाइट हो जाता है तो ये जो छोटे छोटे आपको गोल गोल दिखते हैं इनको हम नट्स कहते हैं क्लियर ऑल नेक्स्ट है नेल्स नट समझ आ गया अब जो नॉर्मल कील होती है ना उसको हम नेल्स बोलते हैं जो इस तरीके की दिखती हैं जैसे हम हैमर के थ्रू हथौड़े के थ्रू यू नो जहाँ पे भी लगाना होता है वहां लगाते हैं सो अ सिलेंडर मेटल शैफ्ट दैट इज पॉइंटेड एट वन एंड एक एंड पे क्या होती है ऊपर से बिल्कुल ऐसी फ्लैट होती है बिल्कुल गोल सा आपको दिखेगा जो फ्लैट होता है राइट right? जाती है जैसे कि अगर किसी दो लकड़ी के टुकड़ो को एक साथ जोड़ना है तो एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये फिर ऊपर से कील लगा तो क्या हो जाएगा दोनों अटैच हो जाएंगे तो इस तरीके से कोई दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए हम जो कील यूज करते हैं उसे नेल बोलते हैं इंग्लिश क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है स्क्रू तो नट्स देख लिया नेल्स देख लिया नेक्स्ट तो स्क्रूज आते हैं जो इस तरीके के होते हैं ठीक है तो कील और जो nails, और जो जो नेल होते हैं नेल्स स्क्रू होता है वो डिफरेंट होते हैं हैं क्लियर सो टाइप्स ऑफ फास्टनर टू फास्टन मटेरियल्स अगेन जैसे अगर कोई दो मटेरियल जिसमें एक होल बना है तो उसको इस तरीके से लगाया जाता है ठीक है और आप यहाँ फिर यूज कर सकते हो कोई और टूल जो इस तरीके से इसको टाइटन करता है हम ऊपर यहाँ पे अटैच करते हैं टूल को और देन भी टर्न करते हैं तो क्या होता है धीरे 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 फास्टन कर देता है उन चीजों को क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज अ सैंड पेपर तो जैसे हम पेंट वाले की बात कर रहे हैं ना पेंट बकेट पेंट ब्रश देन पेंट रोलर राइट अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो है सैंड पेपर जो हम नॉमली क्राफ्ट वगैरह में भी यूज करते हैं इस तरीके का दिखता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है खुरदुरा होता है और इसको यूज़ किया जाता है ताकि यू नो स्मूदन आउट हो जाए जैसे अगर वॉल पर पे पे पेंट वगैरह करना है तो हम देखेंगे कि जो भी आते हैं ना पेंटर्स वगैरह वो क्या करते हैं सैंड पेपर से पूरी वॉल को पहले क्लीन करते हैं राइट सो इट इज़ यूज टू रिमूव मटेरियल फ्राम सर्फेसेज तो सर्फेस पर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया जिसकी वजह से पेंट अच्छा नहीं लगेगा वो उस मटेरियल को हटाया जाता है इधर टू मेक दैम स्मूदर ताकि वो स्मूथ हो जाए लेवल आउट हो जाए टू रिमूव अ लेयर ऑफ मटेरियल या फिर कोई एक मटेरियल की लेयर जैसे पहले से ही एक पेंट की लेयर लगी हुई है उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है और समटाइम्स टू मेक द सर्फेस रफर या फिर किसी सर्फेस को रफ करना हो ठीक है ना थोड़ा खुरदुरा बनाना हो तभी सैंड पेपर का यूज किया जाता है तो सैंड पेपर ओवरऑल मटेरियल को रिमूव करने के लिए या स्मूथ करने के लिए रफ करने के लिए यूज किया जाता है बस इसको इस तरीके से नो मारते हैं लगाते हैं बार बार ऐसे से. तो इस तरीके से क्या होता है वो चीजें रिमूव हो जाती है जो भी आपको रिमूव करना एक्स्ट्रा ले डन ऑल राइट next is chisel chisel can it is a cutting tool that is widely used in carpentry masonry and other types of construction works तो जैसे आप देख सकते हो इसको चिजल कहते हैं ठीक है बहुत नुकीला सा होता है और इसको वुड वग़ैरह के लिए जो भी यू नो कारपेंट्री का काम होता है लकड़ी का या फिर आपको कभी भी कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क दिख जाए वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है तो चिज़ल इसलिए बोलते हैं कि बहुत ही बिल्कुल सी इसकी ब्लेड होती है और इससे फिर जो भी आपको यू नो कारीगरी करनी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डन ऑल राइट Next is a bradol. Bradol क्या होता होता है? है, है? है, है। ये इस तरीके का दिखता ठीक से से जैसा दिख रहा है होता नहीं है. एक तो ऊपर के से भी देख सकते हो, दूसरी बात ये बहुत छोटी सी इसमें आगे जो फ्रंट पार्ट है वो बहुत छोटा सा होता है इट इज यूज टू मेक और अदर मटेरियल इन ऑर्डर टू ईज द इंसर्शन ऑफ अ सेल और स्क्रू यानी जो भी नेल कील या स्क्रू लगाना है उसके लिए जो भी छोटे मोटे यू नो इंडेंटेशन नहीं छोटे मोटे जो गड्ढे करने हैं मार्क करने हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है तो इसको लेंगे अगर हम तो इतना नुकीला है कि हम इस तरीके से यू नो कोई भी होल कर सकते हैं तो फिर वहाँ पर ईजिली आप जो भी आ, नेल वगैरह या स्क्रू वगैरह लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ब्रोडॉल को और चिज़ल जो है वो क्या करता है जैसे आपने देखा होगा कभी कुछ यू नो कारीगरी करनी हो तो हैमर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं जिससे इस चिजल पर फोर्स लगाते हैं और ये क्या करता है पतली पतली तरीके से हाथ से रिमूव कर देता है एक्स्ट्रा मटेरियल को डन ऑल राइट फ्लोर प्लान प्लान एक मैप टाइप का देखोगे जहाँ पे सब होता है लगाना है ठीक है तो वो पूरा प्लान होता है ना ऐसी थोड़ी हर जगह कुछ भी बना देंगे तो प्रॉपर जो एक प्लान फॉर्म करते हैं जहाँ पे हर एक चीज की डिटेल होती है कितने इंच पे क्या क्या होने वाला है उसे फ्लोर प्लान कहते हैं सो इट इज अ ड्रॉइंग टू स्केल फ्रॉम अब तो ड्राइंग होता है ठीक है ऊपर से व्यू मतलब कि हम ऊपर से देखेंगे जब इस पूरे घर को तो कैसा दिखेगा उस तरीके का व्यू होता है ये ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन रूम्स स्पेसेस ट्रैफिक पैटर्न्स एंड अदर फिजिकल फीचर्स क्चर यानी कि यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि दो रूम में कितनी दूरी है या फिर किस तरीके से जुड़ा हुआ है कहाँ पे क्या होगा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मार्किंग्स दी हुई है यहाँ पे डायरेक्शन दिए हुए नॉर्थ साउथ तो इस तरीके से ऊपर से ये जो पूरा बनता है कि आप ऊपर से व्यू देखोगे अगर किसी घर का कैसा होगा उसे फ्लोर प्लान कहते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर आर्किटेक्ट जो है जो भी बताते हैं लेबर्स को यहाँ पे इस तरीके से बनाना एंड ऑल तो एक प्रॉपर जो प्लानिंग होती है नेक्स्ट इज अ अटर अभी construction site पे भी और नॉर्मल घरों में भी दिख जाता है राइट right? तो जब भी भी क्योंकि हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत बड़े बड़े से मॉल वगैरह बन रहे हैं बहुत ज्यादा तो कंस्ट्रक्शन को एक थोड़े टाइम के लिए नहीं रोक सकते तो वहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत होती है सो वॉट इज यूज जनरेटर सो जनरेटर्स प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड एट लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो ये चीजें होती टूल्स वगैरह कुछ उनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है बहुत ज्यादा पावर वो खींचते हैं तो इसीलिए नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ना यूज कर जनरेटर्स का यूज किया जाता है डन ऑल राइट नेक्स्ट आर ग्लव्स ग्लव्स तो सभी को पता है बट ये हर जगह पे ग्लव्स का जो काम है वो अलग अलग होता है जैसे अगर इस टाइप के ग्लव्स देखोगे तो ये कंस्ट्रक्शन के ग्लव्स हैं ठीक है थीके? तो जैसे आप देखोगे जो सीमेंट वगैरह उठाते हैं एंड ऑल तो वो ग्लव्स पहन के फिर उठाएंगे ताकि क्या हो उनके हाथ में वो मटेरियल ना लगे हाथ खराब ना हो सो वर्क ग्लव्स आर यूज वाई डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स हैंड्स तो वर्कर्स के हैंड्स को क्योंकि केमिकल भी होता है बहुत ज्यादा यू नो रफ हो सकता है स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है सो टू प्रोटेक्ट देयर हैंड्स फ्रॉम दीज मटीरियल्स क्या यूज किया जाता है ग्लव्स का डन ऑल राइट नेक्स्ट आर सेफ्टी गॉगल्स अब ये आप हर जगह नहीं देखोगे जैसे बहुत ज्यादा बड़े यू नो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हो जहां पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है अपने लेबर्स पे वहां ये सेफ्टी गॉगल्स आप देखोगे जो पहनते हैं वर्कर्स एंड देन दे वर्क ठीक है बट ज्यादातर आप इनको इधर पे भी देखोगे जब इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम होता है बिकॉज वहाँ पे यू नो लाइटनिंग वगैरह होती है चीज़ों की तो उसकी वजह से आंखों पर फर्क पड़ता है सो सेफ्टी गॉगल्स आर द गॉगल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम स्प्लैशेस डर्ट एंड डस्ट केमिकल्स एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हो सकता है ना कोई अजीब सा मटेरियल आंख में चला गया मिट्टी चली गई आंख खराब हो गई या फिर कुछ भी मटेरियल इलेक्ट्रीशियन वगैरह काम चल रहा है उसकी वजह से विजन पे फर्क पड़ सकता है राइट आईज कैन गेट डैमेज तो तब यूज किया जाता है सेफ्टी गॉगल्स का डन ऑल राइट नेक्स्ट इज द हार्ड हैट हैट है जो बहुत ज्यादा मजबूत है इसीलिए हार्ड हैट तो आप देखोगे ऐसे हेलमेट टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो पहनते हैं जो भी लेबर्स वगैरह होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे ताकि कोई चीज ऊपर से गिरे नहीं तो या फिर गिरे तो एटलीस्ट कम से कम ये बच जाए क्योंकि बहुत ज्यादा यू नो हार्ड होती है हैट बहुत ज्यादा मजबूत होती है सो अ टाइप ऑफ हेलमेट यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट टू प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम इंजरी ड्यू टू फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इंपैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स डेबरेज रेन एंड इलेक्ट्रिक शॉक हर एक चीज से ठीक है हार्ड हैड होती है तो जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगा तो उससे बचा सकता है देन उसके बाद

सपोर्ट के लिए सो बीम सपोर्ट द वेट ऑफ अ बिल्डिंग्स फ्लोर सीलिंग्स एंड रूफ्स एंड टू मूव द लोड टू द फ्रेमवर्क ऑफ अ वर्टिकल लोड बेयरिंग एलिमेंट जैसे कि आप जब भी, भी देखोगे किस तरीके के पिलर्स लगाए जाते हैं फिर पूरा काम होता है राइट सीधे सीधे नहीं हो जाता क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं नहीं तो क्या होगा भाई गिरी जाएगा ढह जाएगा मकान राइट सपोर्ट ही नहीं होगा तो तो ये जो होते हैं ना इन सबको हम बीम कहते हैं इन इंग्लिश क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज अ डायमंड ब्लेड पूरा डायमंड का बना हुआ नहीं होता है इस तरीके का सर्कुलर ब्लेड होता है जिसके आसपास डायमंड लगे होते हैं और ये फिर बहुत ज्यादा जो मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको अच्छा से कट देने के लिए यूज किया जाता है सो अ डायमंड ब्लेड इज अ ब्लेड विच डायमंड्स फिक्स्ड ऑन इट्स एज फॉर कटिंग हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल्स जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ना मटेरियल्स या बहुत ज़्यादा खुरदुरे होते हैं उन मटेरियल्स को कट करने के लिए इन ब्लेड्स का यूज किया जाता है क्योंकि पे चारों तरफ जो है डायमंड लगा है इसीलिए डायमंड ब्लेड डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अक लिफ्ट अगेन ये गाड़ी है जिस तरीके की दिखती है ठीक है ये जो है सामान उठाने के लिए लिफ्ट करने के लिए यूज की जाती है सो अ पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक यूज टू लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स अ काइंड ऑफ अ ट्रक जिसमें पावर का यूज किया जाता है एंड दिस यू नो लिफ्ट दी सामान या जो भी लोड चाहिए ठीक है ना ताकि आसानी से ये ट्रांसपोर्ट हो सके तो इस तरह की गाड़ी जो होती है वोक लिफ्ट होती है कंस्ट्रक्शन में होता है ना बहुत सी गाड़ी हमको एक जैसी लगती है बट येस yes, अगर आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान से देखो तो देर इज अ डिफरेंस इन दिस वहीकल्स टांस ऑल राइट नेक्स्ट इज अ टेप मेजर छोटी मोटी चीजें भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए जैसे आप ऐसा मेजर मेजरिंग टेप देखोगे ठीक है जैसे पाइप वगैरह का काम होता है तो बिल्कुल इस टेप से यू नो नाप वगैरह है रहे होते हैं कि कितना पाइप कट करना है कहाँ तक क्या लगाना है तो इसे कहते हैं एक टेप मेजर सो इट इज अ फ्लेक्सीबल रूलर यूज टू मेजर साइज और डिस्टेंस या तो साइज मेजर करने के लिए या डिस्टेंस कितनी दूरी पर लगाना है ये एक रूलर होता है और इसको ऐसे निकालते हो फिर वापस से अंदर चला जाता अगर छोड़ दो, दो तो बहुत फ्लेक्सीबल होता है ये अपनी मर्जी से आपको जितना खोलना आप खोल सकते हो

तो एक बिल्कुल एक स्विंगिंग मोशन मोशन से हाथ से यूज़ करते हुए हैंडल से इस हेड को मारते हैं तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है जैसे हथौड़ा कहते हैं हैमर इन इंग्लिश क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज अ चिपिंग हैमर एक और हैमर होता है जिसे चिपिंग हैमर कहते हैं जो इस तरीके का दिखता है आप देख सकते हो है ये हैमर ही टाइप का बट इस तरीके से नुकीला होता है और थोड़ा फ्लैट होता है एज कम्पेयर टू द हेड ऑफ द हैमर सो चिपिंग हैमर अलाउ ऑपरेटर्स टू प्रिसाइसली चिप अवे ओनली स्पेसिफिक एरियाज जैसे इनको सिर्फ छोटी मोटी कोई एरिया है जिसको हटाना है ठीक है चिप अवे यानी हटाना है रिमूव करना है तो इससे क्या होगा नुकीले पार्ट से ये इस तरीके से मार सकते हैं ताकि ये थोड़ी छोटी जैसे इनको पूरी प्रॉपर एक यू नो शेप देना है किसी चीज को तो ये पूरा कट कर सकते सकते हैं, हटा सकते हैं उस एक्स्ट्रा मटेरियल को तो इसको यूज किया जाता है चिपिंग के लिए और जो था उसको किसी भी फोर्स लगा के चीज को यू नो you know, मारने के लिए कनेक्ट करने के लिए और नेल्स वगैरह को के लिए उसको यूज किया जाता है डन ऑल राइट नेक्स्ट आर प्लायर्स अब प्लायर्स भी आप अपने घरों पे देख सकते हो ठीक है इसको प्लास बोलते हैं हिंदी में बहुत सारे लोग तो इसे प्लायर्स कहते हैं इन इंग्लिश सो इट इज यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स फर्मली दे आर यूजफुल फॉर बेंडिंग एंड कॉम्प्रेसिंग अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल कोई भी चीज़ हो जिसको आपको बहुत यू नो स्ट्रांगली होल्ड करना है तो आप इससे होल्ड कर सकते हो देन इसके बाद आपको किसी को टर्न करने से वायर वगैरह जो होते हैं उसको इन्हें कट करना होता है तो यहाँ से यह कट भी हो जाता है बीच में अगर ये जो पोर्शन होता है ना इसमें अगर डालो चीज़ तो ये कट भी कर देता है वहां से तो वायर वगैरह कट करनी हो या फिर उसको घुमाना हो ठीक है ना टर्न करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है किसको किसका प्लायर्स का डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अक सॉ Saw क्या है इट इज अंड पावर्ड स्मॉल टूथेज सॉ यूज फॉर कटिंग मेटल रॉड्स इस तरीके का होता है और इसे आप ज्यादातर पाइप वगैरह कट करते वक्त देख सकते हो ठीक है इसका हैंडल इस साइड होता होता है है होता है ठीक अवे एंड ये ब्लेड जिससे कट करते हैं पाइप वगैरह को तो ऐसे ऊपर से कट नहीं करना होता है साइड से पकड़ते हैं और इसको कट करते हैं पाइप को ज्यादातर पाइप ही यूज किया जाता है नहीं तो कोई भी रॉड या कोई भी ब्राकेट वगैरह चीजें हो उन सबको कट करने के लिए इसको यूज किया जाता है जिसे क्या कहते हैं हैक सॉ डन ऑलराइट नेक्स्ट इज अ स्क्रू ड्राइवर स्क्रू अलग होता है देख चुके हैं स्क्रू ड्राइवर इस तरीके का होता है जैसे मैंने बोला था ना कभी-कभी एक टूल यूज करते हैं स्क्रू पे अटैच करके घुमाते हैं तो इसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं ठीक है बहुत लोगों के घर पे ये भी मिल जाएगा बहुत कॉमनली फाउंड है ये इट हैज अ हैंडल एंड अ हैव दिस इज एंड ठीक है एंडिंग इन अ टिप द यूज पुट्स इन द्रू हेड बिफोर टर्निंग द हैंडल यानि कि क्या होता है ना ये जो आ, आ, इसका हैंडल होता है इसमें यह एक नुकीला पार्ट होता है जिसको स्क्रू के अंदर डालते हैं एंड देन वी टर्न इट ठीक है अपने हाथ से तो क्या होता है वो स्क्रू टाइटन हो जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है इसे और जिसे हम क्या कहते हैं स्क्रू ड्राइवर की ड्राइव स्क्रू को ड्राइव यानी कि घुमाने के लिए यूज किया जाता है डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ टूल बेल्ट अब इतने सारे टूल्स हैं तो इसको क्या करते हैं कहीं पर तो लेकर आएंगे ना तो यहाँ तो टूल बैग होता है या फिर एक बेल्ट होती है जिसमें सारे टूल्स रखने की जगह होती है कहीं पे भी अटैच कर सकते हो तो कहीं पे भी निकाला यूज कर लिया सो अ बेल्ट फॉर कैरिंग टूल्स तो एक बेल्ट टाइप जिसमें टूल्स होते हैं या फिर टूल बैग भी होता है जिसमें सारे टूल्स रखकर एक बैग में लाया जाता है डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ अवल वॉट इज अ शावल इस तरीके का दिखता है ये भी सबसे ज्यादा आप देख सकते हो राइट right? जिसे हम यूनो से सामान उठाकर देखते होंगे कि सीमेंट वगैरह उठाकर डाल रहे होते हैं हेड पैन में सो टूल यूज टू डिग एज वेल एज टू मूव लूज ग्राम्युलर मटीरियल्स लाइक डर्ट ग्रैवल्स नी और स्नो फ्रॉम वन स्पॉट टू अनादर जैसे स्नो वगैरह हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है देन आपको ग्रेवल या स्टोन्स वगैरह उठाकर एक जगह से दूसरी जगह डालने या फिर हेडपैन में शिफ्ट करने तो इसको यूज किया जाता है देन इसकी मदद से आप डिग भी कर सकते हो यानी गड्ढा भी खोद सकते हो सो फॉर डिगिंग ऑल्सो दिस इज यूज वॉट शावर डन ऑल राइट नेक्स्ट जो टूल है दैट आर यानी इस तरीके के आप देखोगे ठीक है जो ट्रैफिक वगैरह को रोकने के लिए भी या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह किधर डायरेक्शन बताने के लिए कि भाई इस इस एरिया में आप नहीं जा सकते हो इन कोन्स को प्लेस कर दिया जाता है सो दे आर कोन शेप्ड मार्कर्स दैट आर प्लेस्ड ऑन रोड्स और फुटपाथ टू टेम्प्रेरली रीडायरेक्ट ट्रैफिक इन अ सेफ मैनर जैसे कि अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये रोड है तो क्या करेंगे यहाँ पे कोन डाल देंगे कि आप भाई यहाँ से चले जाओ ठीक है तो ये बंद हो जाएगा बट आप यहाँ से जा सकते हो सो so, इस तरीके से एक यू नो ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करने के लिए कि आप इधर नहीं जा सकते बिकॉज कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है बट आप ये वाला रूट फॉलो कर सकते हो इन कोन्स को प्लेस कर दिया जाता है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज अ ट्रावल ट्रावल क्या होता है अ स्मॉल हैंड टूल यूज फॉर डिगिंग अप्लाइंग स्मूदिंग और मूविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल सबसे ज्यादा आपने इसको देखा होगा सीमेंट के यूज के लिए सीमेंट मिक्स कर रहे होते हैं पैन में नो जो भी वर्कर्स होते हैं इस तरीके का दिखता है हैंड टूल होता है और उसके सीमेंट लेकर इसको यू you नो know, फेंकते भी हैं ऐसे वॉल पे फिर उसको स्मूदन आउट भी करते हैं उसके बाद वो जो वुडन फ्लोट होता है वो यूज कर लेंगे बट दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली सीन राइट तो इसको डिक करने के लिए भी यूज किया जाता है पर ज्यादातर इसको अप्लाई के लिए यूज करते हैं इन कंस्ट्रक्शन डन ऑल राइट नेक्स्ट आर बैरिकेड्स अब बैरिकेड्स तो नॉर्मल टर्म है सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नॉर्मल भी जब भी उन्होंने किसी रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो जो लगा देते हैं ना जैसे आप कुछ भी बंद कर देंगे तो हम क्या बोलते हैं बैरिकेड्स लग गए हैं राइट right? तो यहाँ पर जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन की टेप्स हो या बोर्ड्स हो जो भी कॉशन वाली

हैमर तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब आवाज नहीं आती एक टूल की यूज करते हुए वही है ये जैक हैमर ऊपर से आप देखोगे ब्रेक करना है या फिर एक तरीके से सेपरेट करना है वो करते हैं होल बनाना होता है तो यही है वो जैक हैमर ड्रिल्स दैट आर जनरली यूज फॉर द डिमोलिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट पेवमेंट रोड्स एंड रॉक्स जैसे रोड बना हुआ है या फिर पत्थर है बहुत ज्यादा या फिर बहुत बड़ा यू नो कॉन्क्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ने में मेहनत लगती है ठीक है तो ये

सो कॉमनली यूज इन वुड वर्किंग मेटल वर्किंग कंस्ट्रक्शन मशीन टूल फेब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है जैसे लकड़ी के सामान में मैंने बोला जैसे होल वगैरह करना है देन मेटल वगैरह में होल करना है तो भी इसको यूज़ किया जाता है सो so इसको आप बहुत जगह देख सकते हो जहाँ पे भी यू नो आप ड्रिलर का काम आप इमेजिन कर सकते हो भाई जहाँ पे भी यू नो इसकी ज़रूरत होगी कि ये प्रॉपरली होल क्रिएट कर दे तो वहाँ यूज़ किया जाता है इसका सो दिस इज़ अ ड्रिलर एंड जैक हैमर इज़ अ टाइप ऑफ ड्रिलर क्लियर ऑल राइट So with this we finally come to an end of the common used vocabulary terms of construction. तो so, construction में जब भी अब आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी या normally भी आपके घर में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दिख जाएंगी आपको उन सबको हम English में क्या कहते हैं आई होप आपको समझ आ गया है Because ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो you know, हर एक चीज को different languages में क्या कहते हैं Because it's a good thing, हमें हर different languages को practice करना is a very good thing. तो हिंदी ऑलरेडी आपको पता है आप भी और भी लैंग्वेज जानते हो बट येस इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं नाउ यू गॉट टू नो दीज ऑल्सो डेफिनेटली ट्राई टू सर्च अबाउट दीज थिंग आप यूसेज देख सकते हो वीडियो में कि भाई इसको यूज कैसे करते हैं ताकि हमेशा के लिए फिट हो जाए आपके माइंड में ये सारे टर्म्स आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर टू यू एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो बट येस इन द अपकमिंग फॉर द वीडियोज वी आर गोइंग टू सी मेनी सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय